घर में मनी प्लांट लगाते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना हो सकता है नुकसान। ज्यादातर लोग अपने घर और ऑफिस में मनी प्लांट लगाते हैं। ये घर की शोभा बढ़ाने के साथ आसानी से लग भी जाते हैं। इस पेड़ को ज्यादा रख रखाव की जरूरत नहीं होती, ये किसी भी बोतल या गमले में लग जाता है। वास्तु के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाने से सुख समृद्धि बनी रहती है। कई लोग आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए मनी प्लांट लगाते हैं। माना जाता है कि इस पेड़ को घर में लगाने से बरकत बनी रहती है। वास्तु के अनुसार जानिए मनी प्लांट लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले किस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, चलिए आपको बताते हैं। मनी प्लांट को हमेशा सही दिशा में लगाना चाहिए। इस पेड़ को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से धन की हानि होती है। इसके अलावा घर में नकारात्मकता बढ़ती है। मनी प्लांट को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा के अधिष्ठाता देवता गणेश जी हैं, जो मंगल का प्रतीक हैं। इस दिशा में लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मनी प्लांट जमीन को नहीं छूना चाहिए। मनी प्लांट तेजी से बढ़ता है, ऐसे में ध्यान रखें कि मनी प्लांट की लताएं जमीन से दूर रहें। इसकी लताओं को रस्सी से ऊपर की तरफ बांधें ताकि लताएं ऊपर की ओर बढ़ें। वास्तु के अनुसार बढ़ती हुई लताएं तरक्की का प्रतीक है। मनी प्लांट को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए मनी प्लांट को जमीन पर नहीं छूने देना चाहिए। मनी प्लांट को सूखने ना दें। वास्तु के अनुसार सूखा हुआ मनी प्लांट दुर्भाग्य का प्रतीक है। इससे घर की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है, इसलिए इन्हें समय समय पर पानी देते रहें। अगर पत्ते सूखने लगे तो उन्हें काट कर हटा दें। घर के बाहर मनी प्लांट ना रखें। मनी प्लांट को हमेशा घर के अंदर रखें। इस पौधे को ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इन्हें घर में लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट को बाहर लगाना शुभ नहीं होता। बाहर के मौसम में जल्दी सूख जाता है, जिससे पेड़ बढ़ता नहीं है। पेड़ नहीं बढ़ना अशुभता का प्रतीक माना जाता है। घर में आर्थिक तंगी का कारण भी ये बन सकता है। इसके अलावा दूसरों को ना दें। जी हाँ, वास्तु के अनुसार कभी भी दूसरों को मनी प्लांट नहीं देना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से शुक्र नाराज हो जाते हैं। शुक्र को सुख समृद्धि का स्वामी माना जाता है। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है।